हे सच्चे बादशाह, हमारे परिवार पे हमेशा खुशियां बनाए रखना, बख्शीश बनाए रखना। हर लख लख शुक्र है। बंदी छोड़ दिवस दी लख लख वधाइयां जी। तुहानू भी पता है परम पुत्र अज की हैगा? अज गुरुद्वारा साहब इतना क्यों सजाया गया है? आओ परम को सब पता है, गुरुद्वारा साहब को इसके लिए सजाया गया क्योंकि परम के पापा आज आपके दल से घर आने वाला है। बड़ा ही प्यारा बच्चा, जिंदा रहे पुत्र। भाई जी और प्रसाद दो ना, सारे बच्चे एक जैसे हैं। परम के पापा के लिए आज परम के पापा हॉस्पिटल से घर आ रहे हैं। सत श्री अकाल जी। परम पुत्र, आपको पता है आज दिवाली के साथ साथ बंदी छोड़ दिवस भी है। आज ही के दिन हरगोबिंद सिंह जी जेल से छूटे थे और उनके साथ साथ उन्होंने छुड़वाए थे 52 हिंदू किंग्स भी छूटे थे। चलो जी, आज मैं घर नहीं आ पाऊंगा। क्यों? वो आपको बताया था ना कि दो रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं, वो ठीक नहीं आई हैं। रुजी जी, आपकी तबीयत? हाँ मेहरजी, सब कुछ ठीक है। बस डॉक्टर्स ने कहा है कि एक हफ्ता यहीं पर उनकी ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा। रुजी जी, रिपोर्ट में क्या आया? मेहरजी प्लीज डोंट वरी, सब कुछ ठीक है। सरबजी जी, मैं वहां आ रही हूँ। लेकिन महजी, मैंने कहा ना सरबजी जी प्लीज। महजी सुनिए, परम पुत्र जल्दी चलो। मेरी मम्मा पापा आज घर नहीं आएंगे, हम आज उनसे मिलेंगे नहीं। परम पुत्र, हम उनसे ही मिलने जा रहे हैं, जल्दी चलो। सरबजी जी, क्या है रिपोर्ट में, दिखाइए मुझे। रिलैक्स महजी, बस प्लेटलेट्स थोड़े लो हैं। लेकिन प्लेटलेट्स दी ऐसी दी तैसी, मैं आप लोगों के साथ दिवाली मनाऊंगा एंड दैट्स फाइनल। ज्यादा हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं, मैं घर आऊंगा और आप सबके साथ दिवाली मनाऊंगा। जी नहीं, आप यहीं रहेंगे, रेस्ट करेंगे और ठीक होंगे। परम पुत्र, अगर पापा रेस्ट नहीं करेंगे तो शूशटाक ठीक कैसे होंगे और फिर पहले जैसे स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कैसे बनेंगे? एक्सक्यूज मी, दैट आज भी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। हैवी ऐसा मैडम, आप कहो तो अभी 100 पुशअप्स मार के दिखा सकता हूँ। पैम को अपनी पीठ पर बैठा के दोनों के ऊपर एक से एक पढ़ के। क्या मंत्र पढ़ा आपने? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो मंत्र पढ़ा है आपने। रिलैक्स पांडवी जी, कुछ नहीं होता, 100 पुशअप्स ही तो हैं, वो तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, है ना? यस पापा, मार सकते हो। आपको यही प्रूफ करना है ना कि आप अभी भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं। यस। उसके लिए पुशअप्स की कोई जरूरत नहीं। फिर हम फाइट। ये हम फाइट। लेकिन मेरी एक शर्त, अगर आप हारे तो आप यही रुकेंगे जैसे डॉक्टर्स ने एडवाइस किया, मंजूर है?
मंजूर है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो पापा घर चलेंगे। मंजूर है? मंजूर है। अदिति तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, हमें निकलना है जल्दी। पहले खुद तो तैयार हो जाओ, ये ऐसे चलने का इरादा है? Of course not. देखिए बेटा, ये परम करण को मेरी तरफ से गिफ्ट दे देना। मॉम हम भी चलो ना हमारे साथ। क्या आप नहीं चल रहे हमारे साथ? नहीं विक्की बेटा, वो आप क्यों नहीं चल रहे? Why? मॉम अगर आप नहीं चलोगे तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। I know mom, ये डैड के बिना हमारी पहली दिवाली। I think हमें भी नहीं चलना चाहिए। It's okay, अदिति। No no no, not at all बेटा। तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। और अगर वो यहाँ होते ना, वो बिल्कुल नहीं चाहते। तो तुम लोग अपना प्लान कैंसिल करो, तुम लोग। पर मॉम आप नहीं चलोगे तो? मॉम प्लीज चलिए ना। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, बात ना। अब रेडी तो हो जाओ। I know mom, अब डैड को लेकर बहुत उदास हूं, अंदर ही अंदर आप बहुत परेशान हो, लेकिन जिसे आज मैं घर पर लेकर आने वाला हूं ना, उसे देखकर आपकी सारी उदासी मिट जाएगी। आपकी क्या मेरी भी? इसलिए अब आप यहाँ रुकेंगे और रेस्ट करें। मतलब हम दिवाली नहीं मनाएंगे? क्यों पुत्र जी, हम दिवाली जरूर मनाएंगे। पैम अभी मैसेज करके आता है। सर अभी जी वो आज मेरा फैसला तू ही जाने महर, लेकिन जाते जाते मेरा फैसला सुनती जा। दिवाली के दिन मेरा बच्चा मेरे पास हो हमेशा हमेशा के लिए। डोंट वरी मैं जी, मैं शाम से पहले पहले विक्रम जी से बात कर लूं। मम्मी जी आओ, मेरे को एक गल बताओ, इसमें तेल कौन सा डालूं दियो में? अब पुत्र ऐसा कर, बादाम रोगन डाल। बादाम रोगन? ठीक है भाभी। और ओ इनमें सरसों का तेल डालते हैं। ओ भाभी तेल लाई। ओहो मम्मी जी की हो गया, गुस्सा क्यों कर रहे हो? ओ मैं कुछ सोच रही हूँ। मम्मी जी आप थोड़ा प्यार से भी तो सोच सकते थे ना। हाँ क्यों नहीं, प्यार से। आज बंदी छोड़ दिवस ते दिवाली। ये तो सारा कोई पता है, इसमें नया क्या है मम्मी जी? आज वैसे जुआई के घर जाने का बहुत अच्छा मौका है, बिगड़े रिश्तों को सही करने का। उन्होंने मुझे पंजाब दल से निकाल दिया, वो घर जाके जप्पी जुप्पी पा के गिले शिकवे दूर कर दूंगी। पर मम्मी जी वो ये सब ना तब होगा अगर वो हमें दिवाली की पार्टी पे बुलाएंगे। पिछली बार तो इनविटेशन भी आया था। आएगा,
आएगा, वो न्योता जरूर आना है, मेरा छोड़ा हुआ तीर जरूर काम करना है। वही सो सैड। पैम ने सोचा था कि आप पैम को घर आके दिवाली गिफ्ट दोगे। ओ, हुकुम करो सरदार जी, की गिफ्ट चाहिए था? पैम जो गिफ्ट बोलेगा आप दोगे? ऑफ कोर्स, यस। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस, बोलो की चाहिए था? न्यू क्रिकेट बैट? नहीं तो फिर न्यू वीडियो गेम? अच्छा, न्यू आईपैड? हमको कुछ और चाहिए। हाँ तो बोलो क्या चाहिए? नानी के हाथ के बनाए हुए गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू बहुत टेस्टी लगता है। नानी पैम को अपने गोद में बताती है, अपने हाथों से लड्डू भी गिराती है और स्टोरी भी सुनाती है। पैम को ये गिफ्ट चाहिए। पुत्र जी, आप पैम को ये गिफ्ट चाहिए। पापा, अब नानी को इनवाइट करो। पुत्र जी, नो। पैम को पता है आप नानी से कटियो। परमपुत्र, आप जाकर अभी खेली खेली कर। सरब जी, ना तो आप मम्मी जी को इनवाइट करोगे और ना ही मैं। ठीक है, नहीं करें बस। पुरानी रंजिश है मेरी, इनमें से अगर एक को मारा तो 5 करोड़ दूंगा, सबको मारा तो 50 करोड़। काम हो जाएगा भाई जी। वैसे तो आज दिवाली है, पर इन सबका निकलेगा दिवाला। पंजाब दल और मेरी यानी सरबजीत सिंह गिल की तरफ से पूरी पंजाब की जनता को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयां। दिवाली खुशियों का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है, मिठाइयों का त्योहार है, और मिठाइयां सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चों को, और खास तौर की तब जब उनकी दादी नानियां उनको गोदी में बिठा के उनको कहानी सुनाते हुए रसगुल्ले, बर्फी और गोंद से बने लड्डू खिलाती हैं। और मैं चाहता हूं कि आज इस दिवाली के दिन सबका मुंह मीठा हो, और खास तौर पे बच्चों का। तो मेरी आपसे, अंजी आपसे यानी दादियां और नानियों से, कि आप अपने पोते पोतियों और अपने दोते दोतियों को अपने हाथ से खूब सारी मिठाइयां खिलाएं और उनका मुंह मीठा करें। एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। मान गए, वो मान गए जुआई जी, मान गए। तुम्हारा बड़ी समझदार हो आप, वो मेरे को पता है आपने और मेहर ने मेरे को डायरेक्ट न्योता नहीं देना है। मेरे पी फॉर पलम ने वो ही किया जैसे उसे उसकी नानी ने समझाया था। इसीलिए जुआई जी ने कान ऐसे नहीं, वो ऐसे पकड़े हैं। वाह जी वाह कुलवंत कौरे, तेरा प्लान ते कामयाब हो गया। अब जुआई जी के घर में मेरी एंट्री कराएंगे गोंद के लड्डू।
वंडरफुल जी वंडरफुल। परमपुत्र यहाँ रेड कलर कर दो। ओके। मेहर। हाँ जी। हम दोनों ना मिस्टर बाजवा के यहाँ दिवाली पार्टी पे जा रहे हैं। हमें आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है। बुआ आप जल्दी आना, रात को दिवाली पार्टी के लिए सब आएंगे और गुलजया भी जलाएंगे। पापा का वीडियो कॉल भी आएगा और नानी भी आएगी। अच्छा पुत्र जी, हम लोग जल्दी आएंगे। ठीक है, बाय। बाय पुपर जी, बाय बुआ। बाय दी, बाय जी, बाय बाय। मैं और मम्मा पैम को इस दिवाली उम्र के लिए ए प्लस मिलेगा ना? ऑफ कोर्स मिलेगा पुत्र जी, अगर अच्छे से कलर करोगे तो क्यों नहीं मिलेगा। वैसे आपको पता है ये पिक्चर किसकी है? हाँ, तलवार वाली लड़की की, उनके बैग में उनका बेबी है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आहो। मगर इनके हाथ में तलवार क्यों है? जब अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना लिया था, तब अपने राज्य को बचाने के लिए झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से जंग लड़ी, अपने छोटे से बेबी को बैग पे बांध के। वाओ, मतलब रानी लक्ष्मीबाई सुपर वुमन थी? यस। लेकिन सुपर वुमन तो आप ही हो। पुत्र जी, जरूरत आने पर हमारे देश की हर माँ सुपर वुमन बन जाती है। अच्छा मम्मा। करुण उठ गया। चलो बाकी की ड्राइंग रूम में चल के खत्म करो। चलो रूम में चल के करुण के साथ। क्या हो गया करुण पुत्र? रोई रोई नहीं करनी, मेरी मम्मा आ गई। चलो ड्राइंग आज बस मेरा पर करुण पुत्र क्यों ऐसी उकी लगी सी? उकी। अजी जी, सोनी, ये आवाज क्या थी? नहीं मम्मा, उधर कुछ है। परमपुत्र, मेरी मम्मा भी है। मैं मम्मा पैम भी आपके साथ चले? नो परमपुत्र, 10 तक काउंट करना और करण के साथ चलना। ओके। अजी जी, सोनी, कोई है क्या?